फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। साबुदाना मैंने पहले से फुला के रख दिया था, 3-4 घंटे पहले फूल गया है वो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये देखिए, तो साबुदाना मैंने 3-4 घंटे पहले ही फुला कर रखा था। तो ये देखिए, पहले मैंने वॉश किया था 2-3 पानी से इसे, मतलब 2-3 बार पानी से इसे वॉश कर लेना है, क्योंकि कभी गंदगी आ गई अगर तो साफ़ हो जाती है। तो इसलिए उसे 2-3 पानी से साफ़ करने के बाद मैंने ये देखिए पानी डालकर ऐसा फिंगर से चेक कर लेना है आपको। ये देखिए, मैंने चेक किया है तो इतना करीब पानी होना चाहिए, और मैंने इतना पानी रख कर छोड़ दिया। और आप देख रहे हैं इसमें बर्तन में जो मैं रखी हूँ कितना है साबुदाना, हाफ। और मैं ये देखिए पूरा फुल हो गया है फूलने के बाद, और ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है। ये 4-5 घंटे आप फुला के रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा बनने में। और ये मैंने आलू जो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक ही मैं वेजिटेबल काट लेती हूँ, सब्जियाँ जो मुझे डालनी है इसमें, तो मिर्ची वगैरह। तो ये देखिए मिर्ची, धनिया और टमाटर मैंने कट करके रख लिया है, और ये 2-3 चीज़ के लिए मैं कट कर लिया है मैंने, मतलब सब्जी भी बनाना है और साबुदाना भी, तो उस हिसाब से मैंने कट किया। और ये आलू बॉईल किए थे तो ये देखिए मैंने पैन चढ़ाया, उसमें ऑयल डाला और जीरा और हरी मिर्च से पहले फ्राई मतलब तड़का लगा दिया है। टमाटर डाल दिया है पहले, क्योंकि आलू बॉईल है हमारे तो हम पहले टमाटर डालेंगे, टमाटर हमारे गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो टमाटर डालने थोड़े से हो गए हैं, मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है और फिर हम आलू डाल देंगे। ये देखिए मैंने आलू डाल दिया है, और आलू डालकर हमें कुछ देर तक इसे ढककर बहुत देर तक ही पकाना है, जिससे कि मतलब आलू भी थोड़े से क्रंची हो जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे आलू का। तो बस इस तरह से देखिए थोड़ा सा मिक्स कर देना है, उसके बाद ढक के पका लेंगे हम। तो बस मैंने ये देखिए ढककर पकाया, इसका कलर भी चेंज हो गया और कितने अच्छे बन गए हैं। तो मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने मूँगफली कूट कर रखी थी तो वो डाल दूँगी। ये देखिए, तो मूँगफली भी डाल दिया है मैंने, मुझे अच्छी लगती है इसलिए, आप स्किप कर सकते हैं नहीं खाना हो तो। और ये देखिए मूँगफली मैंने फिर ले लिया है, और तो इसे फ्राई कर लिया है ऑयल में डालकर। ये देखिए, मतलब स्लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है, जैसे कि अच्छी तरह से भून जाएगी हमारी मूँगफली, फ्राई हो जाएगी। तो बस ये देखिए फ्राई हो गई है, मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में जो ऑयल है उसी में ही साबुदाना बनाऊँगी, तो जीरा डाल दूँगी पहले। पहले मैंने हरी मिर्च फ्राई कर लिया था 3-4 ऐसे ही खाने के लिए, तो ये फ्राई करके हरी मिर्च निकाल लूँगी। ये देखिए, और तेल अच्छा गर्म हो गया था तो जल्दी से ही फ्राई हो गई थी मिर्च। तो अब मैं इसमें जीरा डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी। ये देखिए, और हरी मिर्च अच्छी मतलब अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर इसमें आलू डाल दूँगी जो कि मैंने कट करके और वॉश करके रखा था। तो ये आलू डाल दिया है, और इसे ढककर काफ़ी देर तक हमें पकाना है, जिससे कि आलू अच्छी तरह से पक जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तो मैंने नमक डाल दिया है ये आलू में, और फिर मैं थोड़ी देर ढक कर पका लूँगी इसे। तो देखिए, हमने ढक कर पका लिया था और उसके बाद हमारे आलू कुछ इस तरह से हो गए। तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, ये टमाटर डाल के हम ढक देंगे। ये देखिए, टमाटर को इस तरह से बीच में करके फिर हम ढक कर पका लेंगे कुछ देर के लिए, तो बस 1-2 मिनट के लिए ही। तो ये हमें देखिए मैंने खोल लिया, और ये टमाटर हमारे गल गए हैं अच्छे तरह से। तो बस मैं साबुदाना ऐड कर दूँगी इसमें, तो साबुदाना आप जितना डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैंने इसी में मूँगफली कूट कर भी डाल दिया था, तो साबुदाना और ये मूँगफली ऐड कर दिया मैंने, और इसे ढक कर स्लो फ्लेम में हमें करीब 5-6 मिनट तक पकाना है, मतलब चलाते हुए ढकना है, फिर खोल कर चला लेना है 1-2 मिनट में, फिर उसके बाद फिर ढकना है ऐसे करके, मतलब हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा साबुदाना बनकर रेडी हो गया है, और मैंने धनिया भी डाल दिया है। तो आइए आप सब भी इंजॉय कीजिए, और मैं अब भगवान को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत था। तो ये बड़े बनाया है मैंने, और खीर, आलू की सब्ज़ी और
और साबूदाना है, तो ये देखिए मैंने भगवान को भोग लगा दिया है और मैंने पूजा भी कर लिया है। और अगर आप सबको किसी आप सब में किसी को भी शंख बजाते आता हो तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए मैं बजा रही हूँ, मैं इस चांस की प्लेट लगा ली हूँ और मैं उसको देख के आती हूँ और आप रिएक्शन देखना। उसको साबूदाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो आप उसका रिएक्शन देखना। चलिए मैं लेके चलती हूँ और उसका रिएक्शन दिखाती हूँ। साबूदाना जल्दी आओ, कौन का है? अरे नीचे बैठ के, नीचे बैठ के, नीचे नीचे बैठ के। कैसे ऐसे खाओगे? जल्दी लो, ये गर्म है। हाँ इसको अभी गर्म है, इसको नहीं छूना, इसको खा लो। कैसा है जल्दी खा के बताओ, खा के बताओ। नहीं साबूदाना ठंडा है, आप खाओ, खा के बताओ कैसा है। नहीं है गर्म? नहीं, अच्छा। टेस्टी है कि नहीं है? टेस्टी है, जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। तो हम ले लेंगे आपका ये साबूदाना, साबूदाना ले लें हम आपका ये। नहीं ले ले रहे ना हम, क्यों? ये हमें नहीं खाना, ये नहीं खाना आपको, तो ये तो खाओगे ना, ये ले ले रहे हम। खा लो, अच्छा जल्दी फिनिश कर लो। चलो ठीक है, आप खाओ, ठीक है, बाय कर लो। बाय।